ये आपका चार्ट है। नाउ यू आर वेरी मच न्यू टू एस्ट्रोलॉजी, आपको कुछ भी पता नहीं एस्ट्रोलॉजी क्या है, थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल बता देता हूँ आपको, राइट। ओके जी। बेसिकली दिस इज आवर अर्थ, राइट। आपको हाँ स्क्रीन हाँ स्क्रीन दिख रही है, ये एक मैंने कोर्स बनाया था स्टार्टिंग में बहुत पहले, राइट। सो दिस इज आवर अर्थ, मदर अर्थ, हम यहाँ पे पैदा होते हैं। जब हम यहाँ पे पैदा होते हैं तो हमारे आसपास है बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, क्योंकि ये सन है, ठीक है। सन के ऑर्बिट में एक जगह पे अर्थ आता है, अर्थ के बगल में मून आता है, फिर जुपिटर आता है, सैटर्न, यूरेनस, सभी प्लैनेट्स आते हैं, बट दे आर ओके प्लेस्ड फार फ्रॉम अदर्स। तब होता है क्या, जब हमें यहाँ पे पैदा होते हैं, जहाँ पे उस पॉइंट से जिस टाइम पे बेबी का बर्थ होता है, उस टाइम पे एक यूनिवर्स की हम एक इमेज लेते हैं, एक फोटो खींचते हैं पूरे यूनिवर्स की। जब हम उस यूनिवर्स की फोटो खींचते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन सा प्लैनेट कहाँ पे है, और इसके पीछे नक्षत्रवाद होते हैं। नक्षत्र आर नथिंग बट अ सीरीज ऑफ अदर स्टार्स, जो कि बहुत पावरफुल है, राइट। हम उनकी एक इमेज बनाते हैं, तो इमेज बनते हैं हमें पता चलता है कि बॉस ये आपका प्लैनेट यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, रिलेटिव टू अर्थ पोजिशन, राइट। सिमिलरली यू गेट अ पोजिशनिंग ऑफ द नक्षत्रास, राइट। नक्षत्रास इज समथिंग वेरी एडवांस लेवल, इसलिए हम लेट्स टॉक ओनली ऑन प्लैनेट। देन हमने क्या किया है कि ये जो हमारा अर्थ है, इसको 360 डिग्री में 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ओके। 360 को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो ईच कितना हो गया, 30 डिग्री ईच, फाइन। सो स्टार्टिंग एज अ बेस पॉइंट हमने क्या किया, उस 360 डिग्री को स्क्वायर फॉर्म में बनाया। कुंडली इज नथिंग बट स्क्वायर, यू कैन से रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ अ 360 डिग्री हाँ, इमेज विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। ओके, तो जब बच्चा पैदा होगा तो उसमें देखो, इस इधर भी 360 डिग्री में 12 हाउसेस हो गए, यहाँ पे 12 हाउसेस बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, फाइन। एंड देयर इज अ कंसेप्ट विच इज कॉल्ड एज अ लगना। तो लगना का कंसेप्ट हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज इट्स यू आर वेरी मच न्यू टू इट, वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगा। तो उसमें क्या होता है कि ईच साइड राशिज होती है, ईच राशिज डिन हैज सम साइंस, राइट। अब मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने उनको एक स्पेशल स्पेशल नंबर डिफाइन किया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एंड उनके पर्टिकुलर नेम है इन हिंदी, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभन, मीन, राइट। जस्ट लाइक आप लोग सिंह को लियो बोलते हो, राइट, तुला को लिब्रा बोलते हो, ओके, वृश्चिक को स्कॉर्पियो बोलते हो, धनु को सैजिटेरियस बोलते हो, राइट, कर्क को कैंसर बोलते हो। सो ये इंग्लिश नेम है उनके, एंड दे हैव देयर ओन लॉर्ड, लाइक मंगल सिग्निफाई 1 नंबर एंड 8 नंबर, ओके, मेष और वृश्चिक। ओके शुक्र सिग्निफाई 2 नंबर एंड 7 नंबर, मिथुन सिग्निफाई सॉरी बुद्ध सिग्निफाई 3 नंबर एंड 6 नंबर, 4 नंबर इज फॉर चंद्र, 5 नंबर इज फॉर सूर्य, देन 9 नंबर एंड 12 नंबर इज फॉर जुपिटर, एंड 10 एंड 11 इज फॉर सैटर्न, ओके। अब क्या होता है, एक चार्ट बनता है फिर, और इन प्लैनेट को डिग्री वाइज, जो यहाँ से डिग्री बनती है 360 डिग्री में, जगह जगह पे प्लेस कर दिया जाता है 30 डिग्री एस्पेक्ट्स पे, एंड दिस इज हाउ योर बर्थ चार्ट कम्स। अब आप जब पैदा हुए, ये आपका चार्ट बना, मतलब जो एक इमेज बना प्लैनेट्स का आपकी पोजीशन पे। तो जब जब आप पैदा हुए तो इन प्लैनेट का एक इम्पैक्ट पड़ा आप पे, लाइक जुपिटर आपका यहाँ पे पड़ा है, आपका आप थोड़ा सा हैवी वेट होंगे कंपेयरिंगली, थोड़ा सा नहीं हल्के, नहीं लाइक नहीं बल्की काइंड ऑफ थिंग। नहीं व्हाट्स योर वेट? मेरा वेट है 68 ऐसे कुछ है। और हाइट? हाइट है मेरा अराउंड 5'5". बीएमआई के हिसाब से हल्का सा बॉर्डर लाइन पे हो, लेकिन ये तो आप एग्री करो, क्योंकि जो जुपिटर होता है ना, जिसका भी जुपिटर फर्स्ट हाउस में रहता है ना, राइट, उसको थोड़ा थोड़ा ये दिक्कतें रहती है, वो थोड़ा सा बल्कि नजर आता है, ओके। इसके बाद आप अच्छा देखोगे, क्योंकि आपका बीएमआई बॉर्डर लाइन है, अगर 5.4 5.5 की बात करते हो तो 68 69 इज अ बॉर्डर लाइन केस। आप बीएमआई चेक करोगे, बॉडी मास इंडेक्स में आप अपर एज पे रहोगे, फाइन। आप थोड़ा भी खाना अच्छा पीना अच्छा ज्यादा स्टार्ट करोगे ना, आप तुरंत फूल जाओगे, हालांकि हाँ आपका जुपिटर का ट्रांजिट नहीं आया है, क्योंकि ये जुपिटर करता है, जुपिटर कभी भी फर्स्ट हाउस में जिसका ही बैठा होगा, आप अक्सर ऑब्जर्व करोगे, ही इज अ बल्की काइंड ऑफ अ पर्सन, और थोड़ा भी उसने खाना पीना बढ़ाया तुरंत फूल जाएगा, ओबेसिटी का इशू रहती है उसको। एनीवे, दैट इज अ सेपरेट इशू। अब इसमें ना एक दशा सिस्टम है, विंशोत्तरी दशा। आप देखोगे आपकी विंशोत्तरी दशा किसकी चली, मार्स की, ओके।
और देयर इज सम कंसेप्ट कॉल्ड एज अ नक्षत्रास। ओके, नक्षत्रास में पदार्थ होते हैं। ओके, अब मैं इसको बेसिक साइंस से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वी वुड लाइक टू टॉक समथिंग लॉजिकल ना, क्योंकि ये दशा आपको क्या क्या दिक्कत दे रही है और क्यों दे रही है। लेट्स टॉक इन दैट सेंस। नाउ वेयर इज मार्स? मार्स इज सिचुएटेड इन योर फिफ्थ हाउस, एग्रीड एज पर द चार्ट। एंड वेयर इज मार्स में क्या चल रहा है अभी? लेट्स टॉक टेक्निकल टर्म्स नाउ। मार्स मार्स में चल रहा है इस समय, ये महीना कौन सा चल रहा है? जून, जून जून 23। सो मार्स में क्या चल रहा है? सैटर्न, क्योंकि सैटर्न लाइज बिटवीन 23 जैन टू मार्स 24। तो अभी आपका सैटर्न चल रहा है, ठीक है? तो मार्स में सैटर्न चल रहा है। नाउ लेट्स टॉक व्हाट एग्जैक्टली इज मार्स डूइंग एंड व्हाट एग्जैक्टली इज योर सैटर्न डूइंग हियर। मैंने आपके चार्ट को यहाँ पे बनाया, अभी ये आपका चार्ट है। देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज अ तत्व कुंडली। मैं तत्व कुंडली अभी आपका डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, बट मैं तत्व यहाँ पे डिफाइन कर दिया, क्योंकि 1, 5, 9 में अग्नि तत्व होते हैं, 2, 6, 10 में पृथ्वी तत्व मीन्स अर्थ एलिमेंट, 3, 7, 11 में एयर एलिमेंट, एंड 4, 8, 12 में आपका वाटर एलिमेंट होता है। नाउ आपका मार्स की दशा चल रही है, मार्स इज इन कृतिका नक्षत्र। अब एक नक्षत्र सिस्टम मैंने डिफाइन किया था, ठीक है? इसी भी मैंने एक कोर्स लिया था बहुत पहले। ये विशाखा क्या लिखा हुआ है इसमें? हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। आपका ना जो मेन मैं सबसे इंपॉर्टेंट दशा को देखता हूँ। अभी आप दशा को जब देखोगे तो मार्स इज इन कृतिका नक्षत्र, सैटर्न इज इन विशाखा नक्षत्र। ओके, तो ये जो नक्षत्र मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जब हम 360 डिग्री इमेज जनरेट करते हैं यहाँ पे, हाँ ये सिर्फ प्लैनेट के बाहर की तरफ बहुत सारे स्टार्स है, राइट? एंड उन स्टार्स के जो कंजंक्शन को नक्षत्र में डिफाइन किया था ऋषि मुनियों ने। नाउ इफ यू सी इट हियर, ये आपके क्या है? ये आपके क्या है? बेसिकली राशि है, एवी, टॉरस, जेमिनी, कैंसर में जो बता रहा था आपको, राइट? और यहाँ पे प्लैनेट्स है। अभी प्लैनेट्स के बाहर आउटर ऑर्बिट में नक्षत्र है। अब आप देखो जो कृतिका नक्षत्र है, वो आपका जो मार्स है वो कृतिका नक्षत्र में है, राइट? आपका जो मार्स है देखिए टॉरस में है, 2 नंबर टॉरस। एंड नाउ इफ यू विल सी इट हियर, 2 नंबर इज टॉरस एंड इट इज इन कृतिका नक्षत्र। कृतिका नक्षत्र का रूलर कौन है? सन है, एग्रीड? हाँ सो हु इज द रूलर ऑफ कृतिका नक्षत्र? लॉर्ड कौन है उसका? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सन। ओके, सिमिलरली सैटर्न कौन से नक्षत्र में? विशाखा नक्षत्र में। ओके, जब मैं बोलता हूँ सैटर्न विशाखा नक्षत्र में, तो हु इज लॉर्ड ऑफ विशाखा नक्षत्र? विशाखा नक्षत्र का लॉर्ड कौन है? जुपिटर, क्योंकि आपका जो सैटर्न है लिब्रा में है। यू कैन चेक योर सेल्फ, सैटर्न इज इन नॉट इन लिब्रा, सॉरी, 8 नंबर में, क्योंकि विशाखा नक्षत्र दोनों हाँ जगह डिवाइडेड है। विशाखा नक्षत्र जो है ना स्कॉर्पियो में भी डिवाइडेड है, डिवीजन है। तो आपका जो ओके सैटर्न है वो स्कॉर्पियो में, 8, 8 नंबर में, बॉर्डर लाइन कैसे? फाइन, ठीक नाउ वी है विल गो टू द कोर प्रिडिक्शन। सो विशाखा का लॉर्ड हाँ कौन है? जुपिटर। ओके, हाँ ठीक है यहां तक क्लियर है ना पिक्चर? वी आर गोइंग बिट फास्ट, क्योंकि मैं बेसिक ज्यादा नहीं बताऊंगा, इससे ज्यादा बेसिक की जरूरत नहीं है। वी विल डिस्कस सम टाइम लेटर। ओके डियर, हाँ नाउ ठीक है ठीक दिस इज योर बेस लाइन। मैं हमेशा इसी को बेस मानता हूँ। तत्वों की बात अब अभी नहीं करेंगे, तत्वों की बात हम करेंगे जब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, कि व्हाट सॉल्यूशन शुड बी डन स्पेशली टू इवेडिकेट द प्रॉब्लम। नाउ लेट्स हाँ टॉक साइंस आउट ऑफ इट। फिलहाल फिलहाल लेट्स टॉक समथिंग बेसिक। ओके, साइंस और बेसिक को हम हाँ मिक्स करेंगे एट अ टाइम व्हेन रिक्वायर्ड। ओके, बट अब मैं बेसिक की बात करूं, वेयर इज योर मार्स सिचुएटेड? हियर। ओके, मार्स हाँ इज सिचुएटेड हियर। वेट, हाँ मार्स इज सिचुएटेड हियर, आई वॉन्ट द रेड कलर। हाँ वेट, ओके, यस, सो योर मार्स इज सिचुएटेड हियर। ओके, नाउ व्हाट ऑल हाउसेस मार्स सिग्निफाई? मार्स सिग्निफाई 2 हाउसेस, नंबर 1 एंड हाँ नंबर 8, मंगल। फाइन, ओके मैंने आपको कहा था हाँ आप हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ा करो, क्यों बताया था? क्योंकि आपकी मंगल की दशा है।
हाँ सो मंगल की दशा में कौन कौन से हाउसेस आपके सोब्स बनेंगे? योर दिस हाउस, योर हाँ हाँ दिस हाँ हाउस एंड योर दिस हाउस, एग्रीड? दीज आर योर या सोर्सेस। ओके, नाउ ओके हाँ लेट्स टारगेट वन मोर बेसिक कंसेप्ट विच आई विल शो यू वेरी क्लियरली। ओके, ये हाउसेस आपके सोर्स क्यों बनेंगे? और इस ये आपको मैं देखो, लेट्स आई विल जस्ट शो यू विद द प्रूफ व्हाई आई एम टेलिंग दिस। भाव का वक्त तो में हम जाते हैं। इसमें नहीं दिया। बेसिकली नाउ आई विल टेल यू, आई विल एक्सप्लेन यू लेटर व्हाट ऑल दिस हाउसेस सिग्निफाई। दिस हाउस सिग्निफाई योर फ्रेंड्स, दिस हाउस सिग्निफाई योर एल्डर्स, एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर। ओके, दिस हाउस सिग्निफाई योर ओन हाउस, आपका सुख। एंड दिस हाउस सिग्निफाई योर इंटेलिजेंस, योर एजुकेशन। एजुकेशन से बेहतर आपका इंटेलिजेंस में ज्यादा बोलेंगे, एजुकेशन दोनों हाउस पकड़ेंगे हम लोग, राइट? एंड दिस हाउस हाँ ऑल्सो सिग्निफाई योर किड्स, फाइन? सो दिस इज योर सोर्स, बट रिजल्ट कौन दे रहा है? सन दे रहा है। सन क्या पता है? एट हाउस भी है और सन क्या है? आपके पिता भी हाँ है। ओके, सन हाँ आपके हाँ पिता भी है, हमें यह समझना होगा। तो अच्छा सिग्निफिकेंस लेवल पे जो है, सन यहाँ पे बैठा है और ये आपका सिग्निफिकेंस क्रिएट हो गया, एग्रीड? ठीक है हाँ अब आप खुद हाँ हाँ देखो, आपके डैड की डेथ हुई, हाँ राइट? कब हुई थी डैड की डेथ? 2021 अप्रैल अप्रैल। जैसे ही मार्च आया है, जैसे ही मार्च आया है, हाँ जनवरी फरवरी देखो, फेब में मार्च आया है। ओके, और आप देखोगे कि आपकी डैड की डेथ हुई है अप्रैल 2021। इसमें ना प्रत्यंतर दशा का भी एक कंसेप्ट है, उसमें कहीं ना कहीं 100% कहता हूं मैं कि कोई ना कोई नेगेटिव प्लैनेट आया होगा, इधर सैटर्न और जुपिटर, क्योंकि जुपिटर भी यहाँ पर 12th हाउस हाँ डिनोट कर रहा है, क्योंकि वो हॉस्पिटलाइज हुआ था आपके डैड। तो आप खुद देखो कि हाँ मार्स का नक्षत्र स्वामी कौन है? सन। तो रिजल्ट लेवल पे रिजल्ट कहाँ पे आया? सन पिता को आया, पिताजी की डेथ हो गई जैसे ही मार्स आया, रूल नंबर वन। तो इसने जस्टिफाई कर दिया कि आपको पिता के रिजल्ट मिले, फाइन? अब कोई वो ये भी बोल सकता है कि आपके प्लेनेटरी लेवल पे पिता को मैं देखूंगा बुध से, जो कि वीनस के साथ बैठा हुआ है। मैं एग्री करता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं उसको प्रत्यंतर दशा में जाऊंगा, आई एम 100% श्योर कि प्रत्यंतर दशा में कहीं ना कहीं बुध इन्वॉल्व होगा। ओके, या फिर उसके नक्षत्र इन्वॉल्व होंगे। मर्क्यूरी इज इन उत्तर भाद्रपद। ओके, ना व्हाट इज एन उत्तर भाद्रपद नक्षत्र? आप खुद देख लो, मर्क्यूरी इज इन उत्तर भाद्रपद, हाँ क्योंकि सी पीपल नीड प्रूफ फॉर एवरीथिंग, हाउ वी कैन कोविलेट एंड फाइंड ईच एंड एवरी। देखिए, सैटर्न मैंने बोला इन्वॉल्व होगा, उत्तर भाद्रपद, मर्क्यूरी इज इन उत्तर भाद्रपद, कहीं ना कहीं सैटर्न इन्वॉल्व था। जब जब सैटर्न इन्वॉल्व होगा, आपके लाइफ में दिक्कतें बनेगी, क्योंकि सैटर्न जुपिटर को सिग्निफाई कर रहा है, जो कि 12th हाउस था। और एक चीज, सैटर्न जुपिटर के नक्षत्र में है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, हाँ देखिए, सैटर्न जो है जुपिटर के नक्षत्र में, एंड जुपिटर 12th हाउस सिग्निफाई कर रहा है, 9 नंबर 12। अब हम बात करते हैं जुपिटर की, क्योंकि वो उसकी अंतरदशा है। ओके, ना वेयर इज जुपिटर सिटिंग हाँ हियर? वेयर इज जुपिटर हियर? ओके, दिस ओके इज जुपिटर, एंड जुपिटर के हाउसेस कौन कौन से है? 9 एंड 12। देखो हाउस देखो, बुद्ध हाँ बुद्ध भी बैठा है उसी के घर में। देखिए, मैं बोला लिंक मिल गया ना, मैंने पहले ही बोल दिया था, विदाउट चार्ट सीइंग ऑल्सो। ओके, एंड हाँ जुपिटर के लिंक ये है, और सैटर्न कहाँ बैठा है? सैटर्न, दिस इज योर सैटर्न। ओके, अच्छा अंतरदशा में ये आपका सैटर्न है। एंड सैटर्न के हाउसेस कौन कौन से? आपका सेल्फ, मतलब आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेस क्रिएट किया है, और ये आपका हाँ आपका सेविंग, सेविंग पूरा डुबा दिया सैटर्न ने। आपको लॉस कब से हुआ है, मैं आपको बता देता हूं। मैं आपको जब से लॉस फादर की डेथ नहीं, वो तो हुआ ही है, वो तो मार्स ने किया है। एक्चुअल में आपको जो लॉस आपने बिहेव किया है ना, वो जनवरी 23 से किया है। या हुई है मैं प्रिसाइज बोलूं, आपका लॉस स्टार्ट हो गया था
क्योंकि जुपिटर किसके नक्षत्र में है? जुपिटर है शौन नक्षत्र, मून के नक्षत्र में, एंड मून इज ऑल्सो इन्फेक्टेड. आपका लॉस स्टार्ट हुआ है Feb 22 में, और रियल लॉस स्टार्ट हो चुका था January 23 में. ओके, हाँ अब आपसे मैंने कहा था आपके पास पित्र बाधा है, यू रिमेम्बर? हाउ हाँ डिड आई से दैट? हाँ मून सन राहु के साथ बैठे हैं. हाँ ओके, मून सन राहु के साथ बैठे, हाँ एक तो अमावस्या दोष प्लस यहाँ पे राहु इन्वॉल्व है, दैट क्लियरली सिग्निफाई दैट यू हैव अ पित्र दोष. यू गॉट माई पॉइंट? ये क्लियर सिग्निफिकेंस था कि आपको पित्र दोष है बॉस. हाँ दिस इज रूल नंबर वन. दूसरा, मैंने आपको बताया था कि बॉस आपको ना मार्स से रिलेटेड कोई ना कोई उपाय करना चाहिए, मार्स और सैटर्न से रिलेटेड. जब तक ये सैटर्न रहेगा March 24 तक, तब तक आपका ये हाउस एक्टिव है रिजल्ट देने के लिए. कौन सा हाउस? 12th हाउस. ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो हाँ 12th हाउस एक्टिव होने की वजह से क्या हो रहा है पता है? लिटिगेशन के केस बन सकते हैं जो आपके ऊपर बन रहे हैं इस समय, हाँ कोर्ट केसेस के लफड़े हो रहे हैं. हाँ तो इसीलिए मैंने आपको क्या बोला था कि थोड़ा अवॉइड करो, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे अवॉइड कर लिया अगले हाँ कुछ महीने तो बच जाओगे. आपको March 24 तक अवॉइड करना चाहिए, किसी तरह से बचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि पूरा चांसेस दिख रहे कोर्ट केस में अटकोगे आप. अब कोर्ट केस का सोर्स हाँ कौन बनेगा? सोर्स को बनेगा मार्स और सैटर्न बनेंगे. ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक तो आप खुद भी गलती कर रहे हो, ओके, और दूसरा है सैटर्न बैठा अच्छा कहाँ? बहन के घर में, बड़ी बहन या बड़ा भाई, आपके आप आपसे जो बड़ा है उससे लफड़ा बन रहा है. तो ये सैटर्न को किसी तरह से आपको निकालना है, और ट्रांजिट में सैटर्न इस समय यहाँ पे चल रहा है, तो ये आपको फाइनेंशियल लॉस दे रहा है. हेलो, तो अच्छा इस चीज पे अगर आप ध्यान दे सको हाँ जेन्युइनली यू कैन सर्वाइव. क्योंकि देखिए आप खुद देखो कि मार्स जो है, मार्स के घर में ही सैटर्न बैठा है, सैटर्न वैसे भी पूरा अटका हुआ है, तो सैटर्न काम हाँ किसके हिसाब से करेगा? या तो मार्स के हिसाब से करेगा जहां पे बैठा हुआ जिसके घर में, दूसरा वो जुपिटर के हिसाब से करेगा जिसके नक्षत्र में बैठा हुआ है. यू गॉट माई पॉइंट? एंड जुपिटर इज सिटिंग ऑन योर ब्रेन, जो आपसे उल्टी सीधे हरकतें करा रहा है, और जिसकी वजह से वो और चीजों को उलझा रहा है. जुपिटर, दिस इज योर हेड बेसिकली. किसी भी हाँ चार्ट में जो फर्स्ट हाउस होता है सेल्फ का होता है, खुद का होता है, खुद के ब्रेन का होता है, राइट? दैट्स द रीजन आई हैव बीन सजेस्टिंग यू अलॉट बॉस, बी कॉशियस बी कॉशियस बी कॉशियस, क्योंकि यहाँ पे यू नीड टू बी बिट कॉशियस नाउ. हाँ यू आर गेटिंग अ पॉइंट व्हाट आई मीन टू से, हाउ इट इज वर्किंग आउट. ओके, सो दिस इज अ रियलिटी. अब जैसे मैं आपकी तत्व कुंडली बनाने की कोशिश करूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ. ओके, अब लेट्स डिफाइन योर तत्व्स. तत्व कुंडली में हम क्या करते हैं कि हम ना इसको फोर पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्योंकि फोर एलिमेंट्स रहते टोटल. ओके, क्योंकि वी नीड टू टॉक सॉल्यूशन वाइज, क्योंकि प्रेडिक्शन तो राइट बैठ रहा है अभी तक. हाँ वी आर नॉट, वी विल टॉक अबाउट योर प्रोफेशन ऑल्सो, बट लेट्स टॉक अबाउट द कोर प्रॉब्लम विच यू आर फेसिंग नाउ. जैसे मैं तत्व कुंडली की बात करता हूँ, ओके, तत्व कुंडली इज वेरी सिंपल वेरी इजी. लोगों ने पूरा थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके रख देते हैं कि यार ऐसा है वैसा है ये वो, कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. फाइन, हाँ एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट तत्व कुंडली. सो दिस इज योर हाँ फायर एलिमेंट, फाइन, देन योर अर्थ एलिमेंट, देन योर एयर एलिमेंट, एंड दिस इज योर वाटर एलिमेंट. लेट्स प्लेस योर प्लैनेट. फाइव एलिमेंट में कौन कौन से प्लैनेट है? मून, सन एंड राहु. ओके, ओके वेट 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 वेट, वी विल मेक इट्स ए 16. ओके, एंड लेट्स मेक यूज कलर ब्लैक. मून, व्हाटएवर, मून, सन, राहु, फाइन. देन हाँ देन दिस एलिमेंट में क्या आ रहा है? जुपिटर एंड मार्स. देखिए जुपिटर एंड मार्स सेम एलिमेंट में, अर्थ एलिमेंट में, सो फाइन, जुपिटर हाँ एंड मार्स. देन एयर एलिमेंट में व्हाट इज द? केतु.
आपके प्रोफेशन के लिए आपको स्पिरिचुअल होना पड़ेगा क्योंकि प्रोफेशन का घर होता है, राइट। एंड वॉट एलिमेंट में कौन है? वीनस, मर्क्यूरी एंड सैटर्न। आपको सोल्यूशन कहाँ मिलेगा बताऊं मैं? दो एलिमेंट, वॉट एलिमेंट में मिलेगा और अर्थ एलिमेंट में मिलेगा। आप हवन कर रहे हो, हवन से आपका सोल्यूशन नहीं आ रहा है। हवन सिर्फ आपके डैड के लिए था, अगर आप पहले हवन करते तो शायद डैड आपके बच सकते थे। आपका जो रियल सोर्स ऑफ प्रॉब्लम की लोकेशन देखूं मैं ना, तो मार्स और सैटर्न और जुपिटर का है, राइट। तो आपका जो सॉल्यूशन है, आपका जो सॉल्यूशन है वो आपको मिलेगा कहाँ पे? वाटर एलिमेंट में और अर्थ एलिमेंट में। ओके, अब मैं सॉल्यूशन लेवल की बात करता हूँ, आपको क्या करना चाहिए। वी वांट टू बी आउट ऑफ दैट प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स एंड लिटिगेशन, जो इश्यूज आपके सिस्टर से बन रहे, राइट। अब सिस्टर का कार्बक भी वैसे मून होता है, बट मून इज अ वेरी फास्ट मूविंग प्लैनेट, ठीक है। और जो क्या प्रॉब्लम की आपका, सैटर्न इज अ स्लो मूविंग प्लैनेट, तो सैटर्न ना चीजों को स्लो कर देता है। आप देखोगे कि थिंग्स आर नॉट मूविंग एट यार्ड, यू हैव अ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट आल्सो, स्लोली स्लो स्लो चल रहे हो, कि सैटर्न इज अ स्लो मूविंग प्लैनेट, दैट इज अनदर रीजन, ठीक है। अब मैं आपको जो पर्सनल पर सॉल्यूशन दूंगा, मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मार्स इन्वॉल्व है एंड सैटर्न इन्वॉल्व है, राइट। काला उड़द, ठीक है, प्लस काला उड़द प्लस मसूर दाल, ओके, प्लस काला तिल, ओके, प्लस कहीं मून भी इन्वॉल्व था क्या? शोन नक्षत्र, मून कहाँ पे इन्वॉल्व था? जुपिटर के केस में मून भी इन्फ्लेक्टेड है, मून इज योर मदर एज वेल एज एल्डर सिस्टर ऑल्सो, ठीक है, प्लस चावल, ओके, प्लस चीनी लू नहीं लू या घी होना चाहिए इसमें, काइंड ऑफ राहु, राहु इज फॉर पित्रा, ये इसमें क्या बोलते हैं इसको, जव, ठीक है, ओके। इन सबको फिल करना है किसमें पता है? किसमें फिल करना है? इन ये जो नारियल होता है ना, कौन सा नारियल? सूखा नारियल, ठीक है, सूखा नारियल कट करके फिल करना है और इसको आपको प्रवाहित करना है। कहाँ पे प्रवाहित करना है? ठीक है, इसका एक कॉम्बिनेशन बनाना है आपको, ओके, इसके अंदर डाल के इसको कॉम्बिनेशन बनाना है एंड देन इसको आपको क्या करना है स्टेप बाय स्टेप। नंबर वन, ट्यूसडे एंड थर्सडे, ओके, वो पीपल के पेड़ के नीचे, कहाँ पे? पीपल और बरगद और आम भी चल जाएगा क्योंकि रीजन है यहाँ पे ये प्लैनेट इन्वॉल्व, ठीक है, आम के पेड़ के नीचे, हाँ, पेड़ के नीचे दबाना है इसको, थोड़ा खड्डा खोद के दबा देना है, अच्छा, ठीक है, और उसके पहले मंत्र जाप कर लेना, ओके ओके, ये थर्सडे एंड फ्राइडे को। इसके बाद ऑन सैटरडे, हाँ, सैटरडे को फ्लोइंग वाटर में डालना है, राइट। मैं बोल रहा हूँ बेस्ट ट्रीटमेंट यू कैन हैव, ट्रस्ट मी, आपके सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे धीरे धीरे, अगर आपने स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो किया तो। इसका ब्रदर मुझे स्क्रीनशॉट एक बार वो कर दो या